नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, नए विषय के साथ आए हैं और नए विषय की चर्चा करते हैं। हमने आपसे कहा है कि जो वही टॉपिक चुन रहे हैं जो काफ़ी टफ माने जाते हैं, नया टॉपिक है मोलस्का। मोलस्का टफ क्यों है भी देख लीजिए, चूँकि जो इसमें यूनियो और पाइला है, यूनियो और जो पाइला है, इसका अध्ययन हम BSc लेवल पर ही करते हैं और इंटर लेवल पर इसका मैटर नहीं है, तो इसलिए ये हमें टफ लगता है। तो काफ़ी टफ है और यहाँ से क्वेश्चन खूब ढेर सारे बनते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और ये दो पार्ट में आएगा। आज हम मोलस्का में क्लासिफिकेशन, जर्नल करेक्टर और उससे जो क्वेश्चन बने उनकी चर्चा कर लेंगे, और कल यूनियो और पाइला की चर्चा कर लेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा हमारे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ इनको आपको फेरना भी नहीं पड़ेगा। जनरली इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास से क्वेश्चन बनेंगे और हम इतनी डिटेल दे देंगे कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फटाफट डॉक्टर नोट्स के एक पैकेज के बारे में जान लेते हैं। और डॉक्टर नोट्स की जो मेंबरशिप है, इस चैनल से जुड़ने की जो मेंबरशिप है हमारे टेलीग्राम चैनल से, वो ओनली 299 है। एक बार 299 आपको पे करना है। जैसे ही आप 299 पे करेंगे उसके बाद आपको सुविधाएं क्या मिलेंगी, फ्री में सारे TGT, PGT, LT, GIC के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं कंप्लीट। और ये नोट्स किस भाषाओं में, तो हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल हैं। सारे नोट्स PDF में हैं, हैंड रिटन भी हैं, प्रिंटेड नोट्स भी हैं। इसके अलावा PDF फॉर्म में बुक्स हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट्स हैं, जो जनरली कोचिंग संस्थान खरीदने के लिए बोलते हैं, वो सारी बुक्स भी उपस्थित हैं। तो यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी TGT, PGT। देखिए TGT का समय कम बचा है, मगर इसके बाद ठीक PGT लगा, PGT के ठीक बाद GIC लगा है। तो अगर यहाँ आप जुड़ते हैं, अभी आप ये मत सोचिए कि समय कम बचा है, अभी आपके पास लगभग हफ्ते भर TGT के लिए बचा है, PGT के लिए लगभग 20 दिन बचा है और GIC के लगभग अभी डेढ़ माह का समय है। तो काफ़ी समय है आपकी तैयारी के लिए। यदि आप सक्रिय रूप से जुड़ते हैं तो नोट्स पर्याप्त हैं, आप उनको पढ़ पढ़ के और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपकी सारी समस्याओं का सलूशन निकल आएगा। और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ आपको डेली डिस्कशन रात्रि में 9:45 से लेकर 11 बजे कराया जाता है, आपके TGT, PGT के टॉपिक के आधार पर। आप जैसे वो टॉपिक पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो डिस्कशन से वो टॉपिक याद हो जाएगा। जब 10 लोग किसी बात पर चर्चा करते हैं तो वो जल्दी भूलते नहीं हैं। और नोट्स ग्रुप पर कम्प्लीटली नोट्स उपलब्ध हैं, हिंदी इंग्लिश सब में। और प्रैक्टिस ग्रुप में डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आपको अपना स्कोर भी पता चलता है और दूसरा नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। सब केवल 299 के मेंबरशिप पर है। किसी भी क्वेरी के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये हमारे नंबर हैं। इन पे आप 299 और ये अकाउंट नंबर है, जिसमें भी आपको उचित लगे 299 पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और जैसे ही पेमेंट हो जाए उस स्क्रीनशॉट को हमारे इस नंबर पर सेंड कर देना है, हम आपको तुरंत ऐड कर देंगे। और अभी समय नहीं गया है, आप जुड़ेंगे तो ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपके अच्छे से तैयार नहीं, वहाँ इन नोट्स से सिंपल भाषा में पढ़ सकते हैं और उन अपने टॉपिक्स को मजबूत कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो, सिलेक्शन हो। हम वादा करते हैं अगर हमसे जुड़ते हैं तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, अगर हमसे जुड़ते हैं मान लो 25 और सही हो गए, तो 105 क्वेश्चन हो गए, आप मेरिट में जगह बना लेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बस इतना फ़ायदा है। और ओनली 299 वन टाइम पे करना है और ये सारे ग्रुप GIC के एग्ज़ाम तक आपका प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। सब कुछ GIC के एग्ज़ाम तक आपको लगातार मिलता रहेगा, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी आपको मिलता रहेगा। चलते शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है Neoplina is primitive। Neoplina primitive का मतलब अत्यधिक पुराना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच की कड़ी है। किसके किसके बीच की कड़ी है? तो मोलस्का और एनीलिडा के बीच की क्या है, कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब क्या है, इसमें कुछ लक्षण एनीलिडा के पाए जाते हैं, कुछ लक्षण मोलस्का के पाए जाते हैं। तो ये Neoplina is primitive टू, तो चूंकि मोलस्का का सदस्य है तो इसका हम रखेंगे मोलस्का। समझ रहे हैं किसका सदस्य, मोलस्का का। अच्छा, मोलस्का से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि मोलस्का शब्द टर्म किसने यूज़ किया था, शब्द किसने दिया था, तो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल का मतलब समझते हैं, जिसे हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु ने कौन सा शब्द दिया था, मोलस्का शब्द अरस्तु ने दिया था। और इनमें एक और खास बात होती है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंट अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं वो कौन सा जिसमें कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता, तो ये मोलस्का हैं जो नहीं पाया जाता है। और ये दोनों होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, नहीं सॉरी इनका लगा लेंगे पहले, तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर में रहने वाले भी होते हैं।
टेरेस्ट्रियल में तो पाइला भी आ जाता, पाइला एम्फीबियंस भी है, ध्यान रखिएगा एम्फीबियंस भी है। तो पूछ देते हैं कौन सा मोलस्क एम्फीबियंस है, तो पाइला स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो ये डाटा था, आप इनको ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो अब लिस्ट। इसमें हमें मैच कराना है। तो यूनियो किसका है, तो मोलस्का का सदस्य है। यूनियो क्या है, मोलस्का का सदस्य है। तो देख लेते हैं किसको लगा लेते हैं, मोलस्का को। ऑरिलिया किसका सदस्य है, तो सिलेंट्रेट का सदस्य है। एस्टेरियस किसका सदस्य, एस्टेरियस मीन्स क्या समझते हैं, स्टार फिश, स्टार फिश यानी जिसे सितारा मछली के नाम से जानते हैं। तो किसका सदस्य, इकाइनोडर्मेटा का है। और एस्केरिस किसका है, निमेटोडा का है। तो इसका सही आंसर क्या लगा लेंगे, तो आप मिला लीजिएगा, ए में हम लगाएंगे फर्स्ट, तो ए में ये है फर्स्ट, और बी में क्या है, नहीं 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 नहीं, ए में क्या लगाएंगे सेकेंड, तो ए में लगाएंगे सेकेंड, ये वाला है बी और ये वाला सही है, और बी में क्या लगाएंगे फर्स्ट। अच्छा एस्टेरियास इकाइनोडर्मेटा का है, तो तीन, सी में तीन और चार, तो ऑप्शन हम इसका बी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा इज, एम्फीन्यूरा का इसमें एग्जाम्पल क्या है, एम्फीन्यूरा का कहता है एग्जाम्पल क्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन इसने पूछा है, ये आपके क्लासिफिकेशन मतलब ये जो पूछा है ये क्लासिफिकेशन से, तो हम क्लासिफिकेशन पे फटाफट देख लेते हैं, चूँकि क्वेश्चन खूब बने हैं तो आप गलत ना हो, तो देखते हैं फटाफट, देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका स्पीड के साथ, ब्लैक ले लेते हैं, हाँ ब्लैक आ गया। अभी क्या है, जब मोलस्का का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ढेर सारे बने, तो मोलस्का के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक लाइन खींच लेते हैं। पहले आता है मोनो प्लैकोफोरा, मोनो प्लैकोफोरा, और दूसरा आता है ऐसे कर लेते हैं मोनो प्लैकोफोरा, और दूसरा कौन सा आता है एम्फीन्यूरा, एम्फीन्यूरा, और तीसरा कौन सा आता है, तो तीसरा आता है स्काइफो पोडा, स्काइफो पोडा, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट कौन सा आता है, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, और लास्ट में फिर दो आते हैं, इन लास्ट वालों को फिर यहाँ करके बांट लेते हैं दो भागों में, कई सारे हैं इसके, प्लियो पेली साइपोडा, पेली साइपोडा, और लास्ट में क्या आता है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। अब आप कहेंगे ये सर आप क्या बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम बता रहे हैं कि जो मोनो प्लैकोफोरा में आता है तो नियोप्लाइना आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है नियोप्लाइना। क्वेश्चन बन सकता है कभी एग्जाम्पल से, क्या है नियोप्लाइना, ध्यान रखिएगा। पूछ देता नियोप्लाइना किस किस में रखा गया है, तो नियोप्लाइना क्लासिफिकेशन में मोनोप्लाइकोफोरा के अंतर्गत नियोप्लाइना रखा गया है, और ये कनेक्टिव लिंक है किसका, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का, किसके बीच का है, एनिलिडा, एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच का, मोलस्का के मध्य का ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है। तो ध्यान रखिएगा नियोप्लाइना से अभी क्वेश्चन बना। एम्फीन्यूरा में जो क्वेश्चन बना है इसका एग्जाम्पल ध्यान दे लीजिएगा काइटन है, क्या है काइटन है, और काइटन को क्या बोलते हैं, सी माइस बोलते हैं, सी माइस के नाम से जानते हैं, यानी समुद्री चूहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं समुद्री चूहा के नाम से काइटन को जानते हैं, एम्फीन्यूरा के अंतर्गत आता है। स्काइफो पोडा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो डेंटेलियम आता है, कौन सा आता है टेलियम आता है। ये सारे क्वेश्चन बने हैं इसीलिए ये हम आपको डाटा दे रहे हैं। गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो पाइला आता है, क्या आता है पाइला आता है। और ये प्लिको जो प्लेसी पोडा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो प्लेसी पोडा के अंतर्गत बाइवेल्विया आता है, ध्यान रखिएगा बाइवेल्विया आता है। और सिफेलोपोडा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये आपको नोट करना है, ये हवा में नहीं दे रहे हैं या हम आपके लिए हवा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, कौन सा आता है, तो इसमें ढेर सारे आते हैं। इसमें एक खास बात होती है फूट ऑन हेड,
इनका खास करेक्टर है, इनका जो पैर होते हैं वो सर में होते हैं। और ये क्वेश्चन 5 से 6 बार बना है, अभी देखेंगे। तो यहाँ नॉटिलस आता है, ऑक्टोपस आता है, कौन सा आता है एग्जाम्पल में, ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस आता है, सीपी आता है, सीपी आता है, इसके अलावा लोलीगो आता है, लोलीगो जिसे जियांट स्क्विड के नाम से जानते हैं। तो ये डाटा है, अब इस डाटा के आंसर देखिएगा कितने आंसर सही करते हैं इसी डाटा से। तो एग्जांपल ऑफ द क्लास एम्फिन्यूरा, तो अभी हमने क्या बताया काइटन। लोलीगो को क्या बोलते हैं, तो लोलीगो को बोलते हैं जियांट स्क्विड, क्या बोलते हैं जियांट स्क्विड, यानी भीमाकार स्क्विड के नाम से जानते हैं। डेंटेलियम किस में आता है, तो डेंटेलियम बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था कि डेंटेलियम स्काइफोपोडा में आता है, किस में आता है स्काइफोपोडा में आता है, ध्यान रखिएगा। सीपिया किस में आता है, तो सीपिया आप बताएं सीपिया किस में आता है, तो ये सिफेलोपोडा में आता है, किस में आता है सिफेलोपोडा में आता है। और लोलिगो भी किस में आता है सिफेलोपोडा में। तो ये क्वेश्चन देखिए बना है और 100% बना है। तो क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा सिलेबस में है, और हम पहले भी कह चुके हैं कि हलवा क्वेश्चन ना मुझे लगाना पसंद है ना आपको लगवाना पसंद है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT LT और GIC की, तो उसी बेस के क्वेश्चन भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो पूर्व में बिल्कुल बने हैं TGT में वही, वो TGT के क्वेश्चन कम रिपीट करेगा, वो PGT के क्वेश्चन उठा के TGT में रखेगा या PCS के चुराएगा। क्वेश्चन वहीं से चुराए जाते हैं जहाँ आपकी निगाह ना जाए, जहाँ सबकी निगाह रहती है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाता है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो समझ गए, डेंटेलियम स्काइफोपोडा, सीपिया सिफेलोपोडा, लोलिगो सिफेलोपोडा, काइटन एम्फिन्यूरा। चलिए, और ये इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, काइटन को सी माइस के नाम से जानते हैं, सी माइस। ये क्वेश्चन बना है, सी माइस किसे कहते हैं या किस वर्ग से संबंधित, तो पूछते हैं किस वर्ग से सी माइस संबंधित है, सी माइस संबंधित है, वो एम्फिन्यूरा या मोलस्का से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बना है, इसको ध्यान से देखिए। द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इफेक्टेड बाय, जो इंग्लिश में जिनको दिक्कत हो रही है हम बता रहे हैं कि जिनमें जो स्विफ्ट लोकोमोशन होता है, गति होती है, सीपिया और ऑक्टोपस, ये दोनों किसके सदस्य हैं, तो सिफेलोपोडा के हैं, किसके हैं सिफेलोपोडा के हैं। और सिफेलोपोडा का मेन करेक्टर क्या होता है, तो मेन करेक्टर ये होता है कि इनके हेड पर, मान लेते हैं ये इस तरीके, मान लेते हैं ये हेड है और इन्हीं पर ये पैर पाए जाते हैं, ये ऐसे, ये ऑक्टोपस आपने देखा होगा ये इस तरीके से, तो ये क्या है इनके लेग्स हैं, ये क्या है हेड, तो हेड के ऊपर लेग्स का पाया जाना। तो ये क्या करते हैं, वाटर इन जेट एक्सप्लेड थ्रू द साइफन, साइफन के द्वारा पानी छोड़ते हैं जिसके द्वारा ये तेजी से गति करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे, और इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा है, बीच में हम क्वेश्चन हटा दिए, जो बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को हटा देते हैं। सिफेलोपोडा इज क्लास मोलस्का इन विच, सिफेलोपोडा जो क्लास मोलस्का का सदस्य है उनमें खास लक्षण क्या होता है। अभी देखिए हमने बताया सिफेलोपोडा में खास लक्षण क्या होता है, तो बिल्कुल 1 सेकेंड लगा था, हमने इसके खास लक्षण भी बताए थे, और लक्षण हमने क्या बताया था, कहीं दिया था, हाँ ये दिया था, ये देख रहे हैं सिफेलोपोडा है ये, तो सिफेलोपोडा में हमने क्या लिखा था, सिफेलोपोडा में लिखा था कि फूट ऑन हेड, हेड के ऊपर सर का पाया जाना। इतने ही क्लासिफिकेशन से देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आप अगर थोड़ा फैक्ट डाटा अगर स्टडी कर लेंगे या फैक्ट डाटा समझ लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बकाया प्रैक्टिस सेट के पीछे मत भागो, फलाने प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कहीं कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, अभी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, 2 दिन बाद वही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप इस परेशानी में होंगे, इसका ए लगाएं, बी लगाएं या सी लगाएं। एक बार सिफेलोपोडा हो गया, फूट जो होते हैं वो हेड के ऊपर पाए जाते हैं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। एग्जांपल याद आप याद रख लो, सीपिया है, लोलिगो है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो बस उसके बाद क्वेश्चन कहाँ गलत होता है। तो सिफेलोपोडा की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या लगाएंगे, सिफेलोपोडा फूट इज लोकेटेड ऑन हेड, हेड के ऊपर फूट का पाया जाना किसका लक्षण है, सिफेलोपोडा का है, किसका है सिफेलोपोडा का, फूट ऑन लोकेटेड ऑन द हेड, सर के ऊपर फूट का पाया जाना है। फिर है इंक सैक फाउंड इन, इंक सैक का मतलब होता है जो स्याही की गंथियां होती हैं,
किसकी, स्याही की ग्रंथियां होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, या सैक मीन्स होता है पाउच, तो किस में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं सीपिया में। स्याही ग्रंथियों का काम क्या है, तो जब इसका कोई दुश्मन आता है या मतलब इसको लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये क्या करता है, इनके जो पैर होते हैं या इनके बोल सकते हैं आर्म्स होते हैं, उनमें क्या होता है, इंक ग्लैंड होती है, और ये तुरंत इंक छोड़ देती। जब इंक छोड़ देती तो उतना पानी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। नीला होने के कारण जो शत्रु है इसे देख नहीं पाता है। यानी सिंपल सी बात है, आपके आगे अगर मिट्टी कोई आप किसी पे हमला करने जा रहे हो या आपको एकदम कोई मिट्टी ढेर सारी उड़ा दे, तो आपको कुछ मिनट या कुछ सेकेंड तक कुछ नहीं दिखाई देगा, पता लगा उसी में वो व्यक्ति चकमा दे के भाग गया। जैसे आपने देखा होगा कोई आप कहीं है, आपके आंख में कोई मिट्टी डाल दे और भाग खड़ा हो, तो कम से कम एक दो मिनट लगेगा आपको संभलने में, तब तक वो गया। बस यही काम ये करता है स्याही ग्रंथियों का सीपिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द क्लास एम्फीन्यूरा। क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, तो हमने क्या बताया था, काइटन। देखिए केवल उसने क्या किया, क्रम बदला है, डेंटेलियम ओइस्टर, एक ओइस्टर नया लेके आया है, और काइटन और लोलिगो हम आपको पहले ही बताए थे, लोलिगो जियांट स्क्विड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन क्या सही है, काइटन। और डेंटेलियम में हमने आपको बताया था इसके अंतर्गत कौन सा आता है, स्काइफोपोडा के अंतर्गत आता है, क्या आता है, स्काइफो पोडा के अंतर्गत आता है डेंटेलियम। लोलिगो किस में आता है, तो सिफेलोपोडा में आता है, सिफेलोपोडा में आता है ये है। और काइटन तो एम्फी न्यूरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपिया एंड ऑक्टोपस स्विम स्विफ्टली बाय मीन्स ऑफ। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, तरीका बदला गया, वो पूछ रहा है सीपिया और ऑक्टोपस जो स्विम करते हैं, स्विफ्टली स्विम करते हैं या तैरते हैं या चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो किस विधि द्वारा करते हैं, भुजाओं के द्वारा, लेटरल फिन्स के द्वारा, या सकर्स के द्वारा, या फिर जेट प्रोपुलेशन थ्रू द साइफन। तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे, जेट प्रोपल्सन थ्रू द साइफन। तो जेट प्रोपल्सन थ्रू द साइफन ऑप्शन इसी को हम सही कर देंगे। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले बना था तो वो हमने देखा है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। इनमें से जो, तो ये पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है। तो देखिएगा इसमें से जो लिविंग फॉसिल्स की बात करते हैं तो आप बताएं, चार आर्कियोपिटेरिक्स, देखिए ये भी लिविंग फॉसिल्स नहीं, ये कम्प्लीटली फॉसिल्स है, क्या है, कम्प्लीटली फॉसिल्स है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सही होगा जो आप सोच रहे हो, तो उसका तो बिल्कुल नहीं सही होगा। तो यहाँ 52 में हम आंसर क्या सही करेंगे, तो नॉटिलियाड, एक ऑर्डर है नॉटिलियाड, उसका नॉटिलस सदस्य है, नॉटिलस में कुछ जातियों को छेड़कर सभी क्या है, फॉसिल्स हैं, कुछ जातियों को छोड़कर सभी फॉसिल्स हैं, तो जो जातियां जीवित हैं वो लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही कर देंगे। इनका हमने चित्र आपके लिए लगा कर रखा था, देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये नॉटिलस है, ये शंखनुमा संरचना होता है, देखे मोरम वगैरह में ये इस तरह का शंख आता है तो बच्चे बजाया करते हैं, तो ये है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आता है। और ये क्या है, तो देखिए अभी ये हमने बताया था जो सेफेलोपोड्स है, ये इनका हेड है, हेड के ऊपर ये लेक्सनुमा संरचनाएं पाई जा रही है, ये इनका हेड है, हेड के ऊपर लेक्सनुमा संरचनाएं पाई जा रही, तो ये क्लास सेफेलोपोडा है, और इसी का एक ऑर्डर जो है वो नॉटिलियस है, जो क्या होता है उसमें जो पाए जाते हैं वो लगभग फॉसिल्स होते हैं कई सारे, और कुछ जातियां ही जीवित हैं। तो चूंकि ये क्लास है, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ ये मत सोचिएगा सेफेलोपोडा की सभी की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, डेंटेलियम बिलोंग टू द क्लास, डेंटेलियम किस क्लास को बिलोंग करता है या किस क्लास से संबंधित है। तो अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही इसका सारा मैटर आपको हमने डिस्कस किया था, पूरा क्लासिफिकेशन बताया, तो हमने कहा क्लासिफिकेशन समझ गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो डेंटेलियम किस में पाया जा रहा है, स्काइफोपोडा में डेंटेलियम पाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना है और सेम क्वेश्चन ये रखा है डेंटेलियम, तो स्काइफोपोडा को सही करेंगे। गैस्ट्रोपोडा में कौन सा पाता है, पाइला।
और मोनो प्लेकोफोरा में कौन सा पाया जा रहा है, नियोप्लाइना, नियोप्लाइना। और बाइवेल्विया किस में पाया जा रहा है, तो बाइवेल्विया हमने आपको बताया था पेली साइफोडा, किस में, पेली साइपोडा में बाइवेल्विया पाया जा रही है। तो सारा डाटा आपको एक क्लासिफिकेशन से लगभग 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके सामने बने हैं। अगर वो क्लासिफिकेशन, हम ये नहीं कहते क्लासिफिकेशन रटना है, केवल उस क्लासिफिकेशन के आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन में से कौन पूछा जाता है, बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन किस में पाया जाता है। अब TGT बायोलॉजी 2005 में बना, विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमेटिव मोलस्का, सबसे मोस्ट प्रिमेटिव मोलस्का कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, जो कनेक्टिव लिंक होगा, क्या होगा, कनेक्टिव लिंक होगा दो जातियों के बीच में, सबसे पुराना माना जाएगा। तो नियोप्लाइना क्या है, कनेक्टिव लिंक है, किसके किसके बीच में, तो ये है मोलस्का एंड एनिलिडा के मध्य का, एनिलिडा के मध्य का क्या है, कनेक्टिव लिंक है, तो हम लगा देंगे नियोप्लाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्रीटी सिस्टम से पूछा है, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस किससे संबंधित है, और तो ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस जो है एक्सक्रीटी सिस्टम होता है, क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसका है, तो मोलस्का में एक ऑर्गेन्स बोजेनस पाया जाता है जो एक्सक्रीटी सिस्टम है, और खासकर ये किसका, यूनियो का है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अगर पूछे तो मोलस्का लगाएंगे, और जनरली किसको लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यूनियो को, किसको लगाएंगे, यूनियो को। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और किस में किसको सही करना है, तो ये हम उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज एन इंटरनल सेल, निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच पाया जाता है, तो कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन 556 में आप लोग फटाफट करिएगा किस में हमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या कर लेंगे, सीपिया, सीपिया में आंतरिक कवच देखने को मिलता है, राजस्थान में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली दोज मोलस्क इज नोन एज, सीप का अध्ययन विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन कहलाता है, तो इनका कुछ डाटा देख ले जिससे आपको पता चल जाए किसका किस में अध्ययन करते हैं। तो यहां आता है मेलकोलॉजी, तो स्टडी आप मोलस्का का अध्ययन करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन चूंकि बना है तो पूछ सकते हैं। मेलकोलॉजी किससे संबंधित है, तो स्टडी ऑफ मोलस्का से। कोनकोलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल्स, जैसे शंख वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, तो उससे संबंधित है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट से। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ बर्ड से। ऊलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ बर्ड्स एक से। मैमोलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ मैमल से। सेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो स्टडी ऑफ व्हेल से संबंधित है। तो यहाँ चूंकि उसने क्या पूछा है, तो कोनकोलॉजी से पूछा है, सेल से संबंधित, कि किस में अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से घोंघों का, सीप अध्ययन विशेष रूप से उन स्पेशली दो मोलस्कस नोन एज, तो मोलस्कन का अध्ययन बता रहा है, ये स्टडी ऑफ सेल दिया, ये दिया, ध्यान रखिएगा। उनकी कवच का अध्ययन किस में करते हैं, तो कोनकोलॉजी में करते हैं। और मोलस्का का अध्ययन किस में करते हैं, मोलस्का का अध्ययन किसके अंदर होते हैं, तो मेलकोलॉजी के। एंटोमोलॉजी बता दिया, ऑफियोलॉजी बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द मोलस्का, मोलस्का से कौन संबंधित है, तो ये सही सारे नाम दिए हैं और मोलस्का से कौन संबंधित है, तो ये नवोदय में भी क्वेश्चन बना है, तो मोलस्का से कौन सा संबंधित है बताइएगा। क्रेफिश और कटल फिश, जेली फिश, हैग फिश, तो कौन संबंधित है, कैटल फिश। कैटल फिश किसे बोलते हैं, तो सीपिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सीपिया को हम कैटल फिश के नाम से जानते हैं, और ये कब सही होगा, जब आपको क्लासिफिकेशन आता होगा। और ये सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, और इनकी खास बात है, इनमें इंक ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, इंक ग्लैंड पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा, ये 100% इम्पॉर्टेंट है सीपिया, कम से कम दसियों बारिश से क्वेश्चन बने हैं अलग अलग पॉइंट को उठाकर, तो ऑप्शन हम इसका सी सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच
प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम वेलिजल लार्वा। तो बताइएगा प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम वेलिजल लार्वा, तो किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है, मोलस्का से संबंधित। वेलिजल लार्वा जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो हमें वेलिजल लार्वा देखने को मिलता है तो किस में देखने को मिलता है, फटाफट आप लोग बताएं। तो वेलिजल लार्वा हमें यूनियों में देखने को मिलता है, किसमें? यूनियों में। और ये जो वेलिजल लार्वा होता है ये होता क्या है, पैरासाइट होता है, ध्यान रखिएगा, पैरासाइट होता है किसका, मछलियों का, ये मछली का या फिश का एक्टो पैरासाइट होता है। क्या होता है? एक्टो पैरासाइट होता है। तो ये थोड़ा सा डाटा आपके लिए हमने दिया कि आपको काफ़ी लाभ मिले इस डाटे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्कस, मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा देखने को मिलता है? तो मोलस्का में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है? सीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या होता है? कापर कंटेनिंग पिगमेंट है, कापर कंटेनिंग पिगमेंट है। कलर कैसा होता है इसका? ब्लू होता है, नीला होता है, ध्यान रखिएगा, कापर कंटेनिंग पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो किस में पाया जाता है? एनिलिड्स में, एनिलिड्स। और किस में पाया जाता है? बकाया जो कॉर्डेट्स उनमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन तो इतना फेवरेट है कि हर बार आपसे पूछते हैं, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज कौन सी है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति कौन सी है? तो लोग क्या लगा लेते हैं, तो लोग पिनकडाडा इंडिका लगाते हैं क्योंकि भारत से संबंधित, मगर ये गलत है। सही क्या है? बी, पिनकडाडा वल्गेरिस। क्या लगाएंगे? पिनकडाडा वल्गेरिस क्या है? मोती को उत्पन्न करने वाली इनकी जाति है। तो ऑप्शन इसका हम क्या लगा लेंगे? बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोसेशंस ऑफ, इकाइनोडर्म्स सल युक्त जीवों में प्लूटियस लार्वा की विशेषता है। तो चूंकि ये इकाइनोडर्मेटा का क्वेश्चन है तो वैसे इसका आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पूछता है, ये क्वेश्चन कम से कम कई बार पीजी टीम बना है और टीजी टीम बना है, हाउ मैनी टीथ फाउंड इन ए रो ऑफ रेड्यूला। तो रेड्यूला में सात एक रो में जो देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे ऐसे, एक थोड़ा बड़ा होता है, फिर ऐसे ऐसे, तो एक रो में कितने देखने को मिलते हैं? सात टीथ देखने को मिलते हैं, सात टीथ देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कुछ डाटा भी लेके आए थे और वो भी देख लीजिएगा, कुछ चित्र आपके लिए लगाए थे हमने, ये वाला चित्र लगाया था कि जो, वैसे हमने ये बता दिया है मगर आपको समझना है, ये काइटिन जो जो काइटन्स होता है वो देख लीजिए, ये काइटन्स है, ये काइटन्स है जो समुद्र में पाया जाता है, इस तरीके से का काइटन्स है। और काइटन्स के बारे में हमने आपको बताया ही था कि जो काइटन्स होते हैं ये इसका क्लासिफिकेशन में, तो काइटन्स किस में देखने को मिल रहा था? एम्फीन्यूरा में। तो चूँकि एम्फीन्यूरा हमें आपको बताना था और वो हमने आपको बता दिया था, तो ये काइटन्स है। और ये सिफाइलोपोड्स हैं, सिफाइलोपोड्स के ऑर्डर्स का एक ये नॉटिलस है। नॉटिलस कैसा होता है? फॉसिल होता है, लिविंग फॉसिल्स होता है। और बकाया ये इसमें ऑक्टोपस, तो ये ऑक्टोपस है, और ये स्क्विड है, और कटल फिश, इस तरह से इनके अंतर्गत सिफाइलोपोड्स में आते हैं, क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिएगा। कल आपको यूनियो और पाइला कंप्लीट करा देंगे, और कल के बाद आर्थोपोडा जो है वो मोलस्का है कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।